तो so बेसिकली जो हमारे टॉपिक का नाम है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ठीक है अब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है कि कभी ऐसा होता है कि जो बहुत बड़े बड़े नंबर से फिगर्स होती हैं वो हमें कंफ्यूज करती हैं और हम वो माइंड में नहीं, नहीं रख पाते तो उनकी कैलकुलेशन करना उनको माइंड में रखना वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेथड यूज़ करते हैं और फिर उन बड़ी बड़ी वैल्यूज को छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो देट इज़ कल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम फिगर्स में लेते हैं या स्मॉल नंबर्स में या एवरेज में ले लेते हैं अब इसकी फाइव कॉमन एवरेज टाइप होती हैं जिसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं एक होती है अर्थमेटिक मीन एक होती है ज्योमेट्रिक मीन एक हार्मोनिक और मीडियन और मूड ये सारी इसकी टाइप में आती हैं अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीडियन एंड मूड तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो उसको मैं आपको बताने से पहले आपको कुछ स्लाइड्स मैंने मतलब ली थी उससे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये जो वाइडली मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड जो है जो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो अर्थमेटिक मीन होता है ठीक है क्योंकि वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है अब इस अर्थमेटिक मीन को हम जो है एक्स बार से डिनोट करवाते हैं अब ये जो है तीन टाइप्स की सीरीज में आती हैं मतलब इसकी फर्दर और अपनी जो है वो टाइप्स हैं इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट या हम इसको डायस्टीट भी कहते हैं या डायस्टीट फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं कंटीन्यूस सीरीज़ जिसको हम कंटीन्यूस फ्रिकुवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप सीरीज भी कहते हैं ठीक है तो अगर पेपर में आपका इस नाम से आए या इस नाम से आए या इस तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इजीली जो है वो अटैम कर सकते हैं अब हम इंडिविजुअली एक एक सीरीज की बात कर लेंगे ठीक है अब जो है पहले मैं आपको इंट्रोडक्टिव वे में कुछ चीज़ें इसकी बताना चाहती हूँ ठीक है सॉरी ये यहाँ पर ये पहले आपको कंटीन्यूस सीरीज पहले मैं इसकी कंटीन्यूस सीरीज़ की आपको कैलकुलेशन बताती हूँ ठीक है तो इंडिविजुअल और बाकी जो दूसरी सीरीज़ है डाय सीरी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी पहले आप ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लें कि कंटीन्यूस सीरीज़ में हर सीरीज़ के दो मेथड होंगे एक कौन सा डायरेक्ट और दूसरा शॉर्टकट मेथड एक डायरेक्ट मेथड होगा दूसरा शॉर्टकट मेथड होगा ठीक है तो शॉर्टकट को हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको जो कंटीन्यूस सीरीज में बता रही हूँ वो डायरेक्ट मेथड का बता रही हूँ ठीक है तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है यहाँ पे देखें डायरेक्ट मेथड में आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और दूसरा नंबर ऑफ़ आइटम्स दिए होते हैं ठीक है तो ये क्लास इंटरवेल हो गया और ये नंबर ऑफ़ आइटम्स हो गए ठीक है डायरेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे अभी किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं शो करती हूँ ठीक है आप देखें यहाँ पे इसकी फ्रिकेंसी मैंने सारी लिख दी है ठीक है और यहाँ पे इसका टाइम इंटरवल मैंने लिख दिया है अब मैं इसको क्या करूँगी अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी पहले सबको मैंने क्या किया इन सब को मैंने प्लस किया तो ये फिफ्टीन मेरे पास समीशन फ्रिक्वेंसी आ गई टोटल फ्रिक्वेंसी उठ के उसके बाद अब मैं मिड वैल्यू निकालूंगी ठीक है क्योंकि ये कंटीन्यूस सीरीज़ का एक मेथड है जो आपको खुद से पता होना चाहिए जिस तरह से फॉर्मूले हमें इसमें याद करने हैं इस तरह से इसका मेथड्स भी हमें पता होने चाहिए तो मिड वैल्यू यहाँ पे कौन सी है कौन कौन सी कौन सी ली है हमने मिड वैल्यू एक्स फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव ठीक है इस तरह से हमने मिड वैल्यू निकाली इसकी अच्छा ये सारी इसकी मिड वैल्यू हो गई अब हमने क्या निकाला है एफ एक्स निकाला है जब हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएंगी उसके बाद हम क्या निकालेंगे उसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो मैं बस मिड वैल्यूज़ हैं हमने जो मिड वैल्यू इंसर्ट की हैं उसमें हमने इसके बाद हमने क्या किया इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स बार की फ्रिक्वेंसी निकाली है यहाँ पर देखें ये एट ये ये फ्रीक्वेंसी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मिड वेलियो से तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा इसी तरह हम हर वेलियो को लेंगे और उसकी मिड वेलियो के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे इस तरह से तो आंसर हमारे पास आता रहेगा ठीक है ये इस तरह से हो गई टोटल हमारे पास जो समीशन एफ एक्स आएगा वो टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस करने के बाद अब हमें क्या करना है जब ये टोटल प्लस हो गया अब हमें फार्मूला पता है फॉमूला इसका क्या है यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ इसका फार्मूला है एक्सपार ठीक है उसके बाद क्या है समीशन एफ़ एक्स और समीशन फ्रिक्वेंसी अब समीशन जो है एफ़ एक्स हमारे पास इतना आया था ठीक है और जो समीशन एफ़ है हमारे पास वो इतना है दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारा बाय यानी कि कंटीन्यूस सीरीज़ में आंसर क्या है ट्वेंटी टू पॉइंट टू ठीक है तो इस तरह से इसकी क्या हो गई कैलकुलेशन हो गई अब हमारे पास आ जाता है शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में हम करते क्या हैं ये देखें पहले उसी तरह से आप टेबल बनाएंगे मिड वैल्यू लिखेंगे अब इसमें आपको क्या करना है डी एक्स निकालना है यानी कि एक्स वही आपका अर्थमेटिक मीन वाला बार हो गया और क्या है अज्यूम मीन अज्यूम मीन निकालने का एक फार्मूला होता है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जो आपको चीज़ें दी हुई हैं उसका आप मिनिमम इन वैल्यूज़ में से ठीक है मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे और उन दोनों को क्या कर लेंगे प्लस और टू से डिवाइड करेंगे तो अज्यूम मीन आ जाएगा या यहाँ से भी आप अज्यूम कर सकते हैं लेकिन ये एक प्रॉपर मेथड है जिससे आप अज्यूम मीन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव हमारा अज्यूम मीन आ चुका है ठीक है अब हमने क्या करा है अब हम निकालेंगे इसका डी एक्स ठीक है अब डी एक्स किस तरह से निकाला है यहाँ पे जो हमारे पास मिड होती थी उसके माइनस कर देंगे हम कौन किसको जो हमारे पास अज्यूम मीन आया है मिड वैल्यू को सारे अज्यूम मीन से आपको मिड वैल्यू इसको माइनस करना है तो ये आंसर आता रहेगा ठीक है तो अब हमारे पास जब सबके आंसर आ जाएंगे तो उसके बाद हम हमने क्या करना है हमने जो है उसके बाद निकालना है जैसे हम निकालते हैं शॉर्टकट मेथड में ठीक है हमने उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी डी एक्स एफ डी एक्स निकालना है यानी उसको निकालने का मेथड क्या होता है कि आप जो है जो एट आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको डी एक्स जो आपका आया है उससे आप माइनस कर देंगे ठीक है मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है एट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो उसके साथ साइन लगा हुआ होगा वो हम लगा देंगे मतलब बेसिकली इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगी हो गया और हमारे पास ये आंसर आ गया अब हमने क्या करना है इसका हमारे पास जब टोटल समीशन एफ डी एक्स आ चुका है ठीक है यहाँ पर हमारे पास टोटल एफ डी एक्स आ जाएगा इस तरह से हमारे जो प्लस में और माइनस में वैल्यूज हैं उनको प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर ये एफ डी एक्स आ गया अब हमने इन जो हमारे पास फार्मूला है ये ए प्लस समीशन एफ डी एक्स और समीशन एफ इसको हम पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर देखें यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एज्यूमीन ये हमारे पास एफ डी एक्स आया और ये एफ समीशन एफ ठीक है दोनों का हमने किया रहा कट, कटरा काटा उसके बाद हमने इससे क्या कर लिया इसको माइनस साइन था तो प्लस माइनस माइनस में हुआ माइनस किया तो वही ट्वेंटी टू पॉइंट टू हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से हमें पता चल गया कि भाई हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की है ठीक है अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोकूँगी अब मैं आपको जो है वो इंडिविजुअल की और डिस्क्रीट की भी थोड़ी सी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो वो भी समझने में तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये थोड़ा सा मैं आपको शो करवाती हूँ ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज़ ठीक है तो आपको एक चीज़ और जहन में रखनी है के जो यहाँ पर पहले तीनों चीज़ों के मैं आपको इंडिविजुअली बता देती हूँ अब जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स और ऑफ और ऑब्ज़र्वेशन ये दो चीज़ें आपके पास होती हैं ठीक है नंबर ऑफ़ एटम्स और ऑब्ज़रवेशन जैसे यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कितने आइटम्स दिए हुए हैं और उनकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि वो कितनी है ठीक है तो वो अब डाय सीरीट में क्या आपके पास होता है दोनों चीज़ें होती हैं नंबर ऑफ़ एटम्स भी होते हैं और फ्रिकुनसी भी होती है यानी जब इंडिविजुअल और इनमें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इसको बस रिप्लेस कर दें इंडिविजुअल में क्या होता है ऑब्जरवेशन ऑफ एटम्स और डे डायसीट में क्या होता है फ्रिकुंसी ऑफ एटम्स ठीक है तो ये साइज़ हमने लिख दिया पहले और फिर फ्रिक्वेंसी लिख दी दोनों ठीक है अब इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कंटिनियस सीरीज़ का मैं आपको बता चुकी हूँ अब डायरेक्ट हम कैलकुलेशन पर आते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से ठीक है अब यहाँ पर है हमारा एक फार्मूला दिया हुआ है समीशन एक्स अपॉन एन और यहाँ पे एक्स बार क्या arithmetic mean है अर्थमेटिक मीन है समीशन एक्स सम है और एन क्या है टोटल नंबर है ठीक है जो सीरीज में मैं आपको दिखाऊँगी वो अब इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं देखें एक बार और एक्स बार ए प्लस ये हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला और ये इनडायरेक्ट का ठीक है तो इसमें चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन कौन सी बार को कौन जैसे ये नंबर्स हैं ई डी एक्स क्या टोटल ऑफ डी एक्स है और ए क्या है अज्यूम मीन है एक्स बार क्या है अर्थमेटिक मीन है तो हर चीज़ को इधर बताया हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो ठीक है अब हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या है सारी ऑब्ज़र्वेशन है यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में एक ऑब्जर्वेशन दूसरी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों चीज़ें हमने लिख दी हैं ठीक है अब हमने क्या करना है समीशन एक्स सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से समीशन एक्स निकला टोटल हमने इसका प्लस कर लिया टू ट्वेंटी बना हमारे पास हमने फार्मूले में पुट किया टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी थी टेन थी उससे डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी टू ठीक है यह आंसर आ गया तो अब हम इसके बाद इसका शॉर्टकट यानी इनडायरेक्ट मेथड करेंगे अब इस इसको करने के लिए हमने क्या कर निकालना है इसमें हमें अज्यूमिन की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो हमने क्या करना है यहाँ पे वही ऑब्जर्वेशन लिखी हम और फिर नंबर ऑफ़ एटम्स लिखे इसका डी एक्स निकालेंगे हम डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको माइनस कर देंगे अज्यूमिन से अज्यूमिन निकाली ठीक है अज्यूमिन से माइनस किया ये सारी वैल्यूज़ होगा यहाँ पर ठीक है अब जब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी उसके बाद हम लास्ट में क्या कर लेंगे इसको जो प्लस माइनस हो रहा होगा वो करेंगे कि प्लस के भी थर्टी वन माइनस के भी थर्टी वन बन रहे प्लस के भी थर्टी वन बन रहे तो जो टोटल आया वो ज़ीरो हो गया ठीक है प्लस माइनस साइन से कैंसिल हुआ तो टोटल हमारे पास ज़ीरो आ गया अब हमने इसको क्या किया सॉरी थोड़ा सा इसको मैं फोकस करती हूँ आपको इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया अज्यूम नहीं इतना था समीशन डी एक्स इतना आया नंबर ऑफ़ आइटम इतने थे दोनों को हमने डिवाइड किया जाहिर सी बात है ज़ीरो ही बन जाएगा तो जो बचा हमारे पास सिर्फ ट्वेंटी टू ये आंसर हो गया ठीक है अब हम आ जाते हैं कौन सी सीरीज़ पे? अब हम डाई सीरीज पर आते हैं ठीक है थीके? अब डाय सीरीट को समझने के लिए आपको दो चीज़ें अपने जहन में रखनी हैं और वो दो चीज़ें क्या हैं एक तो है फ्रीक्वेंसी और दूसरा नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है ये दोनों चीज़ें आपको डाय सीरीट में मिलेंगे अब इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला है ये देखें ये फॉर्मूला है ये ईजी सबसे ईजी तरीन फार्मूले दूसरे भी आप बुक्स उठा के देखेंगे तो आपको दूसरे बहुत से फार्मले मिलेंगे लेकिन ये फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होता है और ये इजी फार्मूला है तो यहाँ पर देखें वही चीज़ है आपको दी हुई है नंबर ऑफ आइटम फ्रिक्वेंसी ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एफेक्स आ जाएगा आपके पास सारी वेल्यूज़ को फिर टोटल एफेक्स समीशन एफ आप निकाल लेंगी इन सबको प्लस करके ये आ गया यहाँ पे प्लस किया टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई ठीक है एफ एक्स भी आ गया है आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है अब आपको इस ये ही फॉर्म के लिए चाहिए था एफ एक्स ठीक है एफ एक्स चाहिए नंबर और टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पर ठीक है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इनडायरेक्ट में आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरह से अब हम इसका जो है इनडायरेक्ट यानी कि सॉरी हाँ सॉरी इनडायरेक्ट यानी शॉर्टकट मेथड की कैलकुलेशन देखते हैं साइज वही नंबर ऑफ आइटम्स फ्रीक्वेंसी डी निकाला ज्यूमिंग सबसे पहले निकालेंगे ज्यूम हम खुद से भी कर सकते हैं और फार्मूले के थ्रू तो भी निकाल सकते हैं उन सबको माइनस कर दिया टेस्ट ठीक है जिस तरह हम इंडिविजुअल में इनडायरेक्ट मेथड में कर रहे हैं माइनस का टू इसका माइनस वन सारा आ गया टोटल निकाला डी तो जीरो आया ठीक है अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एफ डी एक्स निकालेंगे एफ डी एक्स निकालने के लिए हमने करना क्या है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो डी एक्स आया माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा इस तरह से ठीक है उसके बाद आपने करना क्या है ये टोटल हमारे पास आ चुका है समीशन एफ़ डी एक्स टोटल हमारे पास आ गया ठीक है सिक्स फॉर्मूले पुट करेंगे अज्यूम में सिक्स ये क्या आया हमारे पास सिक्स आया है समीशन एफ डी एक्स और एन टोटल नंबर कितने यहाँ पर आए थे हमारे फ्रिक्वेंसी का फोर्टी वो हम यहाँ पर पुट करवा देंगे इस तरह से ठीक है पुट करवा दिया दोनों को डिवाइड करेंगे पहले और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया इससे प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर वो ही बनेगा सिक्सटी वन पॉइंट फाइव ठीक है तो ये कुछ जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम है अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी इसमें मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आएगा इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ लाइक माई लेक्चर प्लीज़ लाइक शैंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग हाफि